यार झाड़ियों के पीछे लेके जाते हैं, हाथ खींच लेते हैं, ली नहीं है, ऐसे जोक्स होते क्या तुम्हारे? अगर तुम्हारे पास भी बड़ा केला होता ना तो मुझे भी उस केबल वाले से छुटकारा मिल जाता। मैडम फिर मुझे बना लो अपना बॉयफ्रेंड। बना तो लूं लेकिन लगता नहीं है कि तुम पूरी पूरी रात कर पाओ। 100 सुनार की, एक लोहार की। एक्चुअली मैडम मैंने आज तक किसी की नहीं ली है। ओहो सो सैड, किसी की नहीं ली। रात से काम चलाओ। आज तुझे रंगो हाथों पकड़ लिया रांड, सारे गांव में मेरी नाक डुबोती फिर गया रांड जाने सिनाल। हेलो दोस्तों, मैं अभय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल दिल्ली की दिलेर पे। दोस्तों आ चुके हैं वीडियो और आज की वीडियो में टिर्री हंसाने वाले ने दिल्ली की लड़कियों को सुनाया है बहुत ही प्यारे प्यारे जोक्स जिसके रिएक्शन भी बहुत ही मजेदार आए हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड में। हेलो मैडम, मैं ले रहा हूं। क्या है? हेलो। क्या हेलो? मैडम चिल्ला क्यों रही हो आप? थोड़ा आराम से बात करोगी? चिल्लाओ मत प्लीज, आराम से। क्या है बताओ? मैं कह रहा था मैडम अभी आप अकेले आ रही हैं, तबीयत ठीक है आपकी? क्यों नहीं ठीक होगी, और ऐसे कोई करता है क्या? अरे मैडम जस्ट पूछ ही तो रहा हूँ कहाँ से आ रही हैं आप। हेलो। क्या है? मैडम हेलो। क्या हेलो? ऐसे कौन हेलो बोलता है? मैडम एक मिनट, आप गुस्सा क्यों कर रही हो थोड़ा? अरे गुस्सा क्यों नहीं करूं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शांति से बैठी हूं, बुक पढ़ रही हूं, आके बीच में ऐसे हेलो गिरते गिरते बची हूं मैं। मैडम नहीं गिरती, गिरती तो मैं संभाल लेता ना। मैडम आप कैसी हो? ऐसे हाल चाल लेते हैं क्या किसी के? तो और कैसे लेते हैं फिर? एक काम करो, मेरे भाई का यही ऑफिस है और जाकर उसी से कुछ सीख लो। मैं क्या सिखाऊंगा दीदी, ये तो पहले ही साधना कर रहे हैं। अरे मैडम आप गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मैं तो जस्ट पूछे तो रहा हूँ, मैं बाद में चले जाऊंगा मैडम सीखने के लिए। मैं तो मैडम प्यार से बात करने आता, बट एकदम से ना। क्या है बताओ? मैं एक्चुअली कह रहा हूँ मेरा सामान गिर गया, मैं उठा लेता हूँ अपना। क्या यार ये क्या मतलब? ये चश्मा आपका है क्या? नहीं मेरा नहीं है। तो फिर बोलो ना कि ले लो चश्मा आपका गिर गया है। पागल पागल हो गए हो, सुबह सुबह तुमने भांग फूंक रखी है क्या? भांग फूंकते नहीं मैडम, भांग तो पीते हैं। वो वाला हिसाब हो गया तो बिल्कुल ही है, वो वाला हिसाब हो गया। गलत बोल दिया मैडम आपने, सच्ची कह रहा हूँ। अरे मैडम इतनी अच्छी लग रही हो, हंसते हुए क्या गुस्सा कर रही हो यार आप बेफालतू में? ऐसी जस्ट पूछ रहा हूँ कि आ कहाँ से रही हैं आप? अकेली आ रही है ना, तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ, आपको डर तो नहीं लग रहा ना? बताओ क्या है? आ कहाँ से आ रही हैं आप? एम्बेसी से। एम्बेसी से? हाँ। कौन सी वाली एम्बेसी? तुम्हें इससे क्या? जस्ट ऐसी जानना चाहता हूँ कि कौन सी वाली एम्बेसी से आ रही हो आप? इटली। हैं? इटली। इटली वाली से? तो इंडिया से जा रही हो मैडम? हाँ। मैडम क्यों जा रही हो? तुम्हें इससे क्या, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ क्यों जा रही हूँ? पहले बता दूँ इटली में ये नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा। मिलेगा? बाद में मिस मत करना फिर है कि भाई मैं तो मिस कर रही हूँ, एक लड़का मुझे ऐसा मिला था, इतना हेल्पिंग नेचर था। हेल्पिंग? पर्स गिरा दिया मेरे को, डरा दिया। हेल्पिंग? मैडम हेल्पिंग नेचर नहीं है ये। क्या है हेल्पिंग नेचर? डर गई मैं? तो मैडम पर्स उठाया भी तो सही। पर्स उठाया करते किसी के साथ? मैडम पर्स उठाओगे फिर? उठाया तो सही ना मैडम, गिराया फिर बाद में उठाया भी तो सही ना। मैडम मैंने जस्ट अभी आपको देखा ना, तो मैं आपसे बात करने आ गया सच्ची। मतलब तुम्हें कोई, तुम लोग लड़कों को ना बस यही चाहिए होता है, कोई भी लड़की ऐसे शांति से बैठी रही बस लाइन मारना शुरू कर देना होता है। क्या बात है? तो मैडम लड़कियों पे लाइन मारता हूं ना मैं, औरतों पे लाइन नहीं मारता। क्या ना क्या चाहते हो? मतलब मैडम जैसे कि आप बहुत अच्छी लड़की हो, मैं आपसे बात करने नहीं, मैं आंटी नजर आ रही हूँ तुम्हें। नहीं नहीं मैं आंटी नजर आ रही हूँ मैं तुम्हें? अरे नहीं बोलो ना, आंटी नजर आ रही हूँ तुम्हें, आंटी दिख रही हूँ मैं? अरे नहीं नहीं आप, अरे मैडम आप गुस्सा क्यों हो रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो आप सच्ची। ओ अब तो आप पूछे मत, तो कैसी लग रही हो अब? तो ऐसी लग रही हो, मन कर रहा है। बस कर दो यार, रहने दो, तुम्हें तो आंटी नजर आ रही हूँ ना मैं, लड़की कहाँ नजर आ रही हूँ? नहीं नहीं मैडम आप बहुत अच्छी लड़की। मैडम मैं आपको ना देख के फिसल गया, मतलब ना क्या बोलते हैं, मेरा ना पैर फिसल गया था, मेरा पैर फिसल गया। मुझे देख के फिसल गया? नहीं नहीं मेरा पैर फिसल गया था सच्ची कह रहा हूँ एकदम से। बताओ क्या काम है तुम्हें? बताओ। मैं यही कहना चाह रहा था मैडम जैसे कि वो ना ये तिल असली है क्या मैडम? तब से तुम्हारी नजर यही है क्या? अरे मैडम नजर यहाँ नहीं है, इधर ही देख रहे हो। अरे नहीं नहीं मैं जस्ट पूछ रहा हूँ कि ये तिल असली है कि क्या है? हाँ असली है। असली है? हाँ। मैडम अच्छा लग रहा है सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी वहाँ से आई ना तो ऐसा लगा मेरे को ना, जैसे अंदर ऐसी फीलिंग हुई कि यार सीधा जाके घेर, मतलब सीधे जाके बात कर ले इस लड़की से, सीधे जाके बात कर ले, इसलिए मैं बात करने आ गया आपसे। मैडम मैंने अभी आपको देखा ना तो मैंने सोचा आपसे जाके हेलो बोलूं। उधर क्या देख रहे हो? ओ मैडम कुछ नहीं। लड़की देख रहे हो ना? अरे नहीं नहीं मैडम। लड़की देख रहे हो ना? अरे नहीं नहीं मैडम मैं तो बस अरे बोल लो, लड़की देख रहा हूँ। हाँ बस आते जाते ऐसे सबको देखते रहते हैं और क्या। ऐसे सबको अगर आते जाते देखोगे ना तो किसी दिन तुम्हारी ना देखने के लायक या आंखें नहीं बचेंगी। मैडम ऐसे क्यों बोल रही हो यार, आप इतना गुस्सा क्यों हो? चलो ठीक है मैं अब आपको देखता हूँ, ठीक है अब मैं सिर्फ आपको देखूंगा। यही कह रहा था मैडम जैसे कि अभी आप कहाँ जा रही हैं?
कहीं भी जा रही हूँ तुमसे क्या? नहीं ऐसे अकेली हैं कि अगर अकेली हैं तो फिर मैडम दुकेले हो जाएंगे अपन, मतलब दुकेले मतलब जैसे कि मैडम कोई साथ चाहिए कि हाँ भाई कोई साथ, क्योंकि मैडम पता क्या है, सच्ची बताऊँ झूठ नहीं कह रहा मैडम, मैडम मैं एक बात बताऊँ यहाँ पे, बोलो मैडम यहाँ पे ना कुछ ना खराब लड़के घूम रहे हैं। अच्छा जी, तो क्या करूँ मैं? और मैडम मैं उनसे आपकी सेफ्टी करूँगा। तुमने मुझे खुद डरा दिया, तुम सेफ्टी करोगे मेरी? अरे डराया नहीं मैडम, मैं तो फिसल गया था आपको देख के, इसलिए। बहुत अच्छी हो मैडम आप, क्या नाम है आपका? क्या है तुम्हें नाम से? जस्ट ऐसे ही पूछना चाहता हूँ नाम। तनिष्का। तब कितना प्यारा नाम है भाई साहब। आओ भाई इतना प्यारा नाम है क्या? तुम्हें क्या काम है बताओ? मैं जस्ट यही कह रहा था मैडम, आपका नाम भी बहुत प्यारा है, आप भी बहुत प्यारी हो। थैंक यू मैडम, मैंने जस्ट अभी आपको देखा ना, आपने बहुत अच्छी लड़की हो सच्ची। हाँ, अभी तो कुछ और भी दिख रहा था उधर, वो भी अच्छी लग रही थी, दो मिनट में वो भी तुम्हारी अपनी बन गई। मैडम मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ, मैं आप किसी और को नहीं देख रहा। ये बातें कितनी लड़कियों से तक बोला है तुमने? मैडम सच्ची पहली बार कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ क्योंकि आप में देखने को बहुत कुछ है, मतलब जैसे मैडम आपकी आंखें इतनी प्यारी है, बाल इतने प्यारे हैं, मतलब आप हंसोगे तो और अच्छा। पहले तो तुम ये पॉज लेना बंद करो, कुछ और ही चलने लगता है दिमाग में, बोलना क्या चाह रहे हो? एक चीज दिखा दो, बस एक चीज दिखा दो, हंसी दिखा दो अपनी, बार स्माइल दिखा दो एक बार, बस मैडम हो जाएगा कि बस हो गया। मैडम आपसे एक बात कहूं? बोलो। गुस्सा मत करना बस। बोलो। एक्चुअली मैडम मैंने आज तक किसी की नहीं ली है। ओहो, सो सैड, किसी की नहीं ली? रात से काम चलाओ। आज तुझे रंगो हाथों पकड़ लिया रांड, सारे गांव में मेरी नाक डुबोती फिर गया रांड जाने सिनल। एक्चुअली मैडम इंस्टाग्राम आईडी नहीं ली। क्या इंस्टाग्राम आईडी नहीं ली किसी की? इंस्टाग्राम आईडी जी? क्या हो गया मैडम? तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे तुम्हें घुमाने का मूड बन गया। मैं जरा इसकी कमर में लचक पैदा करके आता हूँ। अरे मैडम ऐसी बात है तो मैडम चलो ना फिर, क्यों वेट कर रहे हो यहाँ पे, चलो। मैडम ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा, जल्दी चलते हैं ना फिर। तुम क्या कर क्या रहे थे? मैडम मैं जस्ट अभी देख रहा था कि आप आओगी तो मैं आपसे बात करूंगा। तुम्हें पता था कि मैं आऊंगी? जी मैडम, यही तो मैडम भरोसा होता है, यही तो भरोसा होता है मैडम। इतनी देर से आप पहले पीछे खड़ी हुई थी वहाँ पे, क्या है बताओ क्या? तो मैंने कहा जब आप इधर की तरफ आओगी तो मैं आपसे बात करूंगा। अच्छा, क्या करना है बताओ? करना तो मैडम वही है अपना। क्या मतलब मैडम, जैसे आप ही कह रहे हो क्या करना है, तो मैं क्या करना है बताओ, आप ही बता दो, आप ही बता दो। मुझे जाना है। मैडम आपका बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं। ओके ठीक है, क्यों पूछ रहे हो? मैडम फिर मुझे बना लो अपना बॉयफ्रेंड। बना तो लूं लेकिन लगता नहीं है कि तुम पूरी पूरी रात कर पाओ। सौ सुनार की एक लोहार की बात, कॉल पे बात। ओके, अभी पूरी पूरे टाइम ऐसे लड़कियों को ताड़ते रहोगे, आज इसको कल उसको, तो फिर रात में बात थोड़ी कर पाओगे? इतनी देर से यही तो चल रही है बस बातें। तुम्हें क्या लग रहा था? नहीं मैडम कुछ नहीं लग रहा था, मेरे को भी यही लग रहा था। अरे नहीं नहीं, अरे यही लग रहा था मैडम, सच्ची बता रहा हूँ। अभी इतनी देर में जो तुमने किया है ना, अभी समझ आया कैसे लगता है? हाँ हाँ तो ठीक है मैडम, अच्छा लगता है मुझे तो। मतलब जैसे अभी मैंने आपको देखा मैडम, बहुत तेज दिमाग है आपका, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत तेज, आप शार्प माइंड है आपका काफी। वो तो मैं हूँ। अरे यार हो कौन तुम और यहाँ पे किस काम से आए हो? बात तो मैं कर रही हूँ तुमसे, लेकिन बताओगे क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैडम मैं बहुत फेमस हूँ। अच्छा, ऐसे क्या करते हो कि फेमस हो? मैडम एक्चुअली आज ना हमारा प्रोग्राम होने वाला है। कहाँ पे, क्या प्रोग्राम है? मैडम हमारे प्रोग्राम में मैडम जोक सुनाए जाते हैं। अच्छा जी, कैसे जोक्स? मैडम मैं क्या बताऊँ, जो वो जोक सुन लेता है ना, मैं क्या ही बताऊँ, वो कैसे निकलता है बाहर, रोते गिरते पड़ते हुए ही निकलता होगा। सारे जख्म नंगे हो गए। अरे नहीं नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, ऐसे हंसते हुए निकलता है मैडम, सच्ची कह रहा हूँ। अच्छा जी, ऐसा क्या सुनाते हो आप? मैडम जोक ऐसा है उसमें इतना चस्का, मतलब इतना उसमें इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट बहुत है मैडम। अच्छा जी, कहाँ है प्रोग्राम? मैडम ये यहीं पे पीछे झाड़ियाँ देखी आपने? मैडम झाड़ियों के पीछे जो फ्लैट बने हैं ना। अच्छा, उन फ्लैटों के पीछे जो झाड़ी है वहाँ पे। अच्छा जी, तो वहाँ कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो? मैडम वहाँ पे प्रोग्राम होता है, ऐसा होता है कि जैसे कोई आ रहा होता है ना, हाँ। तो सीधा उसको हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते जैसे कि मैडम वहाँ पे बिठा के बात की जाती है। अरे मैडम बात की जाती है, आप डर क्यों रही हो मैडम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार झाड़ियों के पीछे लेके जाते हैं, हाथ खींच लेते हैं, ली नहीं है, ऐसे जोक्स होते क्या तुम्हारे? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं एक्चुअली मैडम मैं तो बहुत शरीफ हूँ सज्जना। और फेमस भी हो तुम जी। यार जल्दी अपना काम बताओ, पहले काम क्या तुम्हें? एक्चुअली मैडम मैं चाहता हूँ जिंदगी में कैसी लड़की आए ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। तो तुम्हें कैसी लड़की अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए? मैडम मुझे धोखेबाज लड़की जिंदगी में नहीं चाहिए। तो मैं धोखेबाज हूँ, चलो अब जाओ। शाबाश बेटी हो तो ऐसी। अरे मैडम आप ऐसे क्यों कर रही हो, बात खत्म कर रही हो। धोखेबाज? अरे मैडम वो बात ठीक है मैडम, टिर्री हंसाने वाला। क्या क्या है? टिर्री हंसाने वाला।
सीरियसली? अच्छा और क्या काम करते हो? एक्चुअली मैडम मैं जोक सुनाता हूँ और लड़कियों को हंसाता हूँ। ऐसे ही जोक्स? मैडम जोक तो अभी मैं सुनाऊंगा, अभी तो जोक सुनाऊंगा मैडम, ये तो अभी पहले आप इतना हंस लिए, अभी तो जोक सुनाऊंगा मैं। तुम वैसे ही बहुत फनी हो, तुम्हारे जोक्स तो क्या ही बोलूं मैं। ये मैडम आपने इतनी बड़ी बात कह दी है ना। मैडम मैं एक जोक सुनाने जा रहा हूं, ठीक है? ओके। बहुत प्यारा जोक है। एक बार एक पति बोलता है अपनी पत्नी से, अगर तुम्हारे पास मदर डेयरी होती ना तो मुझे रोज रोज दूध लाने की झंझट से छुटकारा मिल जाता। इस पर पत्नी बोलती है, अच्छा अगर तुम्हारे पास भी बड़ा केला होता ना तो मुझे भी उस केबल वाले से छुटकारा मिल जाता। अरे क्या हूँ, अरे पूरा तो सुन लो। अरे रहने दो, अब क्या बचा है, पूरा तो सुना दिया। अरे मैडम पूरा तो सुनो। अब क्या है इसमें? एक्चुअली उसका पति ना रोज केले छोटे लेके आता था, तो वो केबल वाले को बुला के उससे बड़े केले मंगवाती थी। तो वो केबल वाले को बुला के रोज उससे बड़े केले मंगवाती थी। यार तुम्हारे जैसे लड़कों की जरूरत है एम्बेसी में। अरे मैडम कैसा था मैडम जोक, कैसा था? ये था तुम्हारा जोक जी? मैडम हंसी नहीं आप, सही हंसा तो दिया तुमने। फिर हंसी आई ना मैडम आपको? मैडम मैं ऐसी जोक सुनाता हूँ प्यारे प्यारे। यार तुम बातें घुमाने में बहुत एक्सपर्ट हो यार। अरे बात नहीं घुमा रहा मैडम, मैं सच बता रहा हूँ, पूरा जोक ये था। अच्छा ये पूरा जोक था, कैसा लगा मैडम आपको मेरा जोक? सच बोलू या झूठ? मैडम सच बोल दो। तुमने जैसे बातें घुमाई है ना, मैंने तो कुछ और ही समझा था जो तुम कह रहे थे। अरे मैडम मैं मतलब हंसी आई आपको नहीं है, सच्ची बता। एक बार एक लड़का लड्डू बांट रहा होता है, तो वो लड्डू बांटते बांटते एक अंकल के पास जाता है। अंकल से बोलता है, अंकल जी लो लड्डू खाओ। तो अंकल बोलते हैं, बेटा लड्डू किस खुशी में? तो लड़का बोलता है, अंकल मैं 12वीं में 90% से पास हो गया इस खुशी में। तो अंकल बोलते हैं, अरे बेटा तेरे 90% कैसे आए, मैंने तो तुझे कभी पढ़ते हुए देखा नहीं। तो लड़का बोलता है अंकल से, अंकल कल आंटी भी तो लड्डू बांट रही थी कि लड़का हुआ है, पर मैंने तो कभी आपको करते हुए नहीं देखा। अरे यार क्या बोल दिया लड़के ने, करते हुए देखा नहीं। अरे एक मिनट सुनो तो सही, पूरा तो सुन लो। क्या अरे सुन तो लिया है, पूरा तो सुनो एक मिनट मैडम। हाँ बोलो। लड़का बोलता है, मैंने कभी आपको आंटी से बात करते हुए नहीं देखा। बस रहने दो, समझ रही हूँ मैं, ठीक है? अरे क्या समझ रही हो अब? यार समझ रही हूँ मैं। अरे मैडम लड़के ने कभी समझ रही हूँ, तुम्हारे जोक्स भी वैसे ही है। अरे मैडम क्या हो गया? अरे अभी पता नहीं, मैंने तुमने ऐसे बोला ना और बीच में पॉज लिया, तो मैंने पता नहीं क्या ही समझ लिया, करते हुए नहीं देखा। आज तूने एक गरीब बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटी। अरे अरे मैडम तभी बोल रही हूँ मैं, ये मैडम बात करते हुए बात करते हुए नहीं देखा, ये कह रहा था मैं आपसे। अच्छे जोक थे तुम्हारे, है ना? तो मैडम आप दोगी क्या इंस्टाग्राम दोगी? मैडम आपको हंसाया, सच्ची बताना, हंसाना मैडम, हंसा के गलती की क्या, हंसाना गलत है क्या मैडम? ले लो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी ले लो। मैडम ये आपने पता है जो इतनी बड़ी बात बोली है ना आज। अच्छा लगा मैडम मुझे आपसे मिलके। मैडम मैं अकेले रहता हूँ क्या? मैं हाँ मैं अभी तो अकेले हूँ इधर। मैडम अब से आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना। एक फोन मारने का बंदा आधी रात। इंस्टाग्राम आईडी ले लो, तुमने हंसाया ना, इंस्टाग्राम आईडी मैडम हंसाया ना तुमने। मैडम अब आपने मुझे मैडम नंबर दिया ना, बंदा आधी रात को हाजिर है, आप बस एक बार बुला देना मुझे। आधी रात को क्यों? कि भाई आ जाओ यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है अकेले, मैं सीधा पहुँच जाऊँगा, ठीक है? तब दोनों एक दूसरे को डराएंगे, डराएंगे मतलब जैसे मैडम बातें करेंगे कि भाई वहाँ मत जाओ, वहाँ पे अंधेरा है, भूत होगा, यहाँ पे भी भूत होगा, ऐसे, ठीक है? मैडम आप बहुत अच्छी लगी मुझे बात करने में। थैंक यू, तुम भी बहुत अच्छे हो बात करने में। मैडम मैं तो हूँ ही अच्छा, मैं तो मैडम बहुत अच्छा हूँ, आपने ये बात बिल्कुल सच बोली। तुम्हें कैसे पता? अरे मैडम आप देख लो मुझे, देख लो। क्या देखे? क्या लग रहा है देख के, अच्छा नहीं हूँ क्या मैं? फिर आप ऐसी बात कर रही हो मैडम। वेरी गुड वेरी गुड। इसलिए मैडम मैंने कहा मैं जस्ट अभी आपसे आके बात कर लूँ, आप जा रही थी अकेले, मैंने आपको हंसा दिया। लेकिन तुमने मुझे डरा भी दिया यार। मैडम हंसा, बहुत गुस्सा करने वाली थी तुम पे। मैडम हंसाए भी तो सही ना, हंसाया भी जी सही, हंसाया कि नहीं हंसाया पहले ही होता। मैं पूरी रात सोच सोच के उसको हंसूंगी। हाँ तभी तो मैं कह रहा हूँ, सच्ची बता रहा हूँ, गुस्सा तो नहीं करोगी ना? वो तो बाद में पता चलेगा। वो देखो सामने कैमरा लगा है, प्रैंक हो रहा है। यार ये प्रैंक चल रहा था क्या? तुमने कैमरा लगा के रखा है? हाँ मैंने मैडम अभी आपको देखा जैसे वहाँ से हटती, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ यार। सो हाय। हेलो। हाय, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर। ओके वहाँ देख के हाय कर दो।
सो वीडियो दिखा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल अपने चैनल, आपका चैनल है? हाँ जी, ठीक है। वो देखो सामने कैमरा लगा, प्रैंक हो रहा है। ओके, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो शूट हो रही है जी, रिकॉर्ड हो रही है सारी चीजें? हाँ जी। यूट्यूबर हो तुम? हाँ, मैंने जस्ट अभी आपको देखा मैडम, मैं आपके पास आ गया, मैंने कहा मैं आपसे बात कर लूँ। बहुत अच्छी है मैडम आप, सही बता। अरे यार, अरे बहुत अच्छी हैं यार आप, मैंने आप जस्ट अभी आपको देखा, मैं आपसे बात करने आ गया। ओके, मतलब ये जो सारा फ्लर्ट चल रहा था ये सारा वीडियो का पार्ट? नहीं मैडम, वो तो सस्ता। मतलब ये सब तो, अरे मैडम वो सब तो सस्ता, मतलब सच नहीं था, वो तो सच नहीं था, ऐसी मजाक करते हैं मैडम। सो हाय, हमारे चैनल का नाम है दिल्ली के दिलेर। okay. वहाँ देख के हाय कर दो। हाय। वीडियो दिखा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैडम, एक हक कर सकती हूँ। हक क्यों? एक्चुअली मैडम बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे? जी। अच्छा अब दिखाना कौन से बच्चे खुश हुए तुम्हारे। अरे मैडम हो गए वो बच्चे खुश, जहाँ खुश होना था उनको। अरे कितने बच्चे तुम्हारे? अरे मेरे बच्चे नहीं है मैडम, वो कोई और बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं मैडम, वो बहुत शरीफ बच्चे हैं, सच्ची कह रहा हूँ, वो खुश हो जाते हैं। तुम्हारे होंगे तो बिल्कुल शरीफ नहीं होंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, मेरे नहीं है। अरे वैसे बच्चे बहुत शरीफ। नहीं नहीं, आपके होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब वैसे आपके कितने बच्चे? बच्चे खुश हो जाते हैं और उनको हक करके दिखाना है? अरे मैडम है कुछ बच्चे हैं मैडम, बहुत शरीफ बच्चे हैं, इसलिए उनको मैं उनका ख्याल रखता हूँ मैं पूरा। चलो मैं बात करके अच्छा लगा, थैंक यू। छोड़ना है कहीं पे तो चलो मैं छोड़ देती हूँ, हम एक कॉफी भी पी सकते हैं गर्मी के टाइम में एसी ऑन करके। सही में? सही बता रही हो क्या? हाँ चलो साथ में छोड़ देते हैं। ठीक है मैडम, थैंक यू। कहाँ जाना है? अरे मुझे जाना है, मुझे मिलना है किसी से। अरे मैडम किससे मिलना है? मैंने बोला ना मैं एम्बेसी आई थी, किसी का वेट कर रही। होप गाइस आपको प्रैंक पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ हमारे चैनल दिल्ली के दिलेर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मैं आपको मिलूंगा फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें सब्सक्राइब फेवरेट चैनल दिल्ली के दिलेर।